वेलकम टू बैक सोमा कुकिंग चैनल। आज मैं बना रही चिकन। यहाँ मैंने लहसुन और अदरक बहुत महंगे है गाइस, टमाटर अदरक बहुत महंगे हैं। अभी मैंने अदरक टमाटर लहसुन ये सब मैंने सारा इसको मैं अच्छे से पेस्ट करूँगी। कढ़ाई गर्म हो गई, थोड़ा सा सरसों का तेल दूँगी और थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड दूँगी गाइस, कम नहीं, थोड़ा ज़्यादा देखिए मैंने रिफाइंड डाल दी। आप लोग कैसे आई हो, आप लोग बहुत अच्छी हो, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, आप लोग करते ही नहीं पता नहीं क्या, आप लोग तो मेरी वीडियो में सब्सक्राइब करते हैं। चलिए जाना दीजिए, मैं खाने कैसे होती हूँ। मैंने यहाँ पे जीरा डाला, अच्छा डाला गाइस, फिर भी मैं बोलती हूँ प्लीज़। यहाँ मैंने जीरा दिया, लेकिन जीरा अच्छे से लाल हो गया। अब मैं डालूँगी प्याज, प्याज को हल्का लाल कर दो। मैंने एक समय नमक भी डाला था जिससे मेरी प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए और थोड़ा सा अच्छा लगे खाने में भी। देखिएगा फिर मैंने नमक दिया, मैं आपको हर एक छोटी छोटी अपडेट देती हूँ। मैं आलू के लिए लाल होने के बाद चिकन लगती है, चिकन लगती है पसंद है, मुझे बहुत पसंद है भाई। आपने भी मैंने चिकन के अच्छे में उसमें थोड़ा सा सरसों तेल और ही नमक डाल के उन्हें रख दिया था 2 से 3 मिनट तक। अब मेरे तेगी पानी छोड़ने लगा, अब मैं मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून ली, जब तक एकदम लाल छोड़ जाए। खाने में ऐसे लग ही नहीं सकता कि चिकन होना किसको कहते हैं, इसके रोटी के साथ मजा आती है और गरम गरम चावल के साथ। आप लोग को कैसा अच्छा चावल पड़ता है, आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। ओके बाय।